Welcome. दोस्तों आज का यह वीडियो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि एसआई मेंस की क्लास चल रही है जिसका अंतिम समय यानी कि अंतिम शेष दिन की क्लास चलेगी, वो भी आपका इतिहास से, छत्तीसगढ़ का इतिहास से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। देखिए हॉस्टल वार्डन में 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी प्रकार आपका लेबर इंस्पेक्टर में भी 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें लेबर इंस्पेक्टर के 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। हॉस्टल वार्डनों में 500 से अधिक पद हेतु वैकेंसी निकल कर आने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इतिहास से जो कि बिल्कुल रिवाइज है ना। तो पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती लोक सेवा आयोग मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहला है रामायण दीपिका विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे, तो आंसर सी होगा रेवा राम बापू। ये देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए मेंस क्लास है ना, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती जो लोग मेंस की क्लास देने वाले हैं, मेंस का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइएगा, अन्यथा स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज व्यवस्था लागू किया गया था। देखिए एक बार फिर से मैं कहूँगा, एग्जाम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी, ऐसा कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज व्यवस्था लागू की है। तो ऑप्शन ए इलियट, ऑप्शन बी चार्ल्स वर्थ, ऑप्शन सी डिविट, या ऑप्शन ये चार्ल्स नेपियर। इसका आंसर ए हो जाएगा इलियट। राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक राजकुमार बिंबाजी भोसले हैं। कौन है, राजकुमार बिंबाजी भोसले हैं, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती लोक सेवा आयोग के लिए जो कि अंतिम शेष दिन, सिर्फ अंतिम शेष दिन बचा है जिसका एग्ज़ाम यदि 2-3 दिन बचा हुआ है ना, तो एक बार तैयारी करके जरूर जाइएगा। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया, तो कैप्टन सैंडिस को बनाया गया, ठीक है। हाँ, जो लोग व्यापम पेशी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ इतिहास में हॉस्टल वार्डन ना लेबर इंस्पेक्टर अमीन पटवारी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है, तो आपको घनश्याम सिंह गुप्त, आंसर ये हो जाएगा, क्या होगा, घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए 1906 में स्थापित सामित्र मंडल कभी भी पूछा जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा लगा दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया था, ये 8 सूबों में बांटा गया, कितने सूबों में, 8 सूबों में। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था, तो छत्तीसगढ़ में पहला अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड था, कौन था, कैप्टन एडमंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नागपुर के भोसले शासक के शासनधीन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश संरक्षक नियंत्रण की स्थापना की गई थी कितने में, 1818 ईस्वी में, कब, 1818 ईस्वी में। पंडित सुंदरलाल शर्मा के जन्म स्थली है राजिम में, कहाँ, राजिम, याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म स्थल है राजिम में हुआ था। उसी प्रकार विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित है कहाँ, बलौदा बाजार में, कहाँ, बलौदा तहसील में। जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित माधवराव सप्रे, ऑप्शन सी रवि सुंकर, या ऑप्शन डी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खासतौर पर वीडियो लेकर आया हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, मई 1920 में, कहाँ हुआ था, एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मई 1920 में, ठीक है। चलिए वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो वो है कान्यकुब्ज, ठीक है, याद रखना कान्यकुब्ज। जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको पूरा पीएससी और व्यापा में पूछा गया, ठीक है। जो लोग वही मैं बार बार कहना चाहूँगा, जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष स्थापित किया था, तो 1757 कब किया था, 1757 में, याद रखना है ना, 1757 में। चलिए 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स एलियट है, ठीक है। 1855 में छत्तीसगढ़ में नियुक्त किसने हुआ था, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट का हुआ था।
कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, तो 1921 में। कब किया था? 1921 में। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। रायपुर जिला में हाँ परिषद 126 कब हुआ था, जल्दी बताइए। 1920 मई, 1921, 1922 या 1923। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आएगा। मैं इसका उत्तर नहीं दिया हूँ, ठीक है, इसका आंसर मैं छोड़ गया हूँ आप सभी के लिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले आगमन 1930 में हुआ है। एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत में बरार के प्रधानमंत्री मुख्य बने रहे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था, 1955 में, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ में मध्य प्रांत में विलय हुआ था किसमें, 1 जनवरी 1948, याद रखना 1 जनवरी 1948 में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन नियुक्त किए थे, तो महिपत राव दिनकर जी हैं, ठीक है, कौन है, महिपत राव दिनकर। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि किसने दी गई थी, त्यागमूर्ति की बात में बात करें तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी जी हैं, ठीक है। उसी प्रकार सेंट ऑफ जेरूसलम की उधारी किसने दी थी, रुद्र प्रताप देव ने, ठीक है। होमरू लिंग योजना में रायपुर का प्रतिनिधित्व किसने किया था, राय बहादुर ठक्कर ने, किसने किया था, राय बहादुर ठक्कर ने, ठीक है। उसके बाद है 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, कान्यकुब्ज, ठीक है। मध्य प्रांत बरार के, ये देखो फिर से आगे क्वेश्चन, रविशंकर शुक्ला है। उसी प्रकार मध्य प्रांत बरार के गवर्नर के पद नियुक्त हुए छत्तीसगढ़ प्रथम व्यक्ति कौन, ई राघवेंद्र राव, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप सभी के लिए, 30 क्वेश्चन लेकर आया था, बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। और भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कल के क्लासेस आपका 70 क्वेश्चन का रहेगा, 70 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।